अच्छा, हम लोग आज बनाने लगे हैं ओट्स का ब्रेकफास्ट, और ये मैंने रिसेंटली ट्राई किया है एंड आई वुड रिकमेंड कि आप लोग ज़रूर ट्राई करें। इसमें हम लोगों ने सिंपली ये देखें, आई थिंक 3 टेबलस्पून इनफ है, ठीक है, क्योंकि ये बाद में फूल जाते हैं। अच्छा, ये जो है रोल्ड आउट ओट्स है, रोल्ड ओट्स, और ये है उसके ओट्स पॉरेज है। इसमें आप बार्ले पॉरेज भी यूज़ कर सकते हैं या कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं ओट्स पॉरेज यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, इसमें हम डालेंगे, आप इसको क्रश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये ऐसे ही पसंद है, तो मैं 1 चम्मच इसमें आलमंड्स डालती हूँ। और इसके बाद हम इसमें, क्योंकि ये मैं मैंगो के फ्रूट के साथ बना रही हूँ, तो मैंने इसमें ग्रीक योगर्ट मैंगो के फ्लेवर का ही लिया है, ठीक है। आपने इसमें ये एक ऐड कर देना है, ठीक है, ये आप देख लें, अनहार का ये मैंगो फ्लेवर्ड ग्रीक योगर्ट है। अच्छा, उसके बाद आपने इसमें एक भर के चम्मच डालना है चिया सीड्स, ठीक है। चिया सीड्स के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑलमोस्ट हाफ कप जो है आपने इसमें ऐड कर देना है मिल्क, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये अभी थिक नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसको, क्योंकि ओवरनाइट रखेंगे, तो ये थिक हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, इसको मिक्स करके इसमें आपने ऐड कर देना है मैंगोज, आप किसी भी फ्रूट के साथ बना सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, मैं आपको और फ्रूट्स के साथ भी ये बनाना सिखाऊंगी, बट दिस वन इज विद मैंगोज, ठीक है। और जो लास्ट चीज आई विल ऐड इज हनी, इसमें आप थोड़ा सा टेस्ट के लिए हनी ऐड कर दें। ये हो गया आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट, इसको जरूर ट्राई करें, मतलब दिस इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, और जब से मैंने ये खाया ना, तो ये मेरा डेली का यही ब्रेकफास्ट है। इसको मैं एयर टाइट जार में बंद करके इसको मैं रेफ्रिजरेट करती हूँ, और ओवरनाइट ये फ्रिज में रहता है, और उसके बाद सुबह 8 घंटे बाद 7 घंटे बाद या 10 घंटे बाद मैं इसको खाती हूँ। आई विल शो यू कि ये सुबह किस तरह का थिक बनता है और कितना मज़ेदार। ओके, थैंक यू।